हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकेट्रिस्ट, मुजफ्फरपुर बिहार से। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वह टॉपिक है एडिक्शन, यानी नशा पान। नशा ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो खैनी हो, च्यूएबल टोबैको, या फिर वो अल्कोहल हो, या गांजा हो, या भांग हो, या LSD हो, या स्मैक हो। नशा की लत जो है, नशे की लत, वह किसी भी आदमी को खोखला कर देती है। बिकॉज आप जब एक बार नशा लेते हैं तो आपको धीरे धीरे उसमें, नशे में ये क्वालिटी होती है कि वह आपको आदि बना देता है। एडिक्शन का डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है आपके अंदर। आप जो नॉर्मल काम करते हैं, जैसे पढ़ना लिखना, खाना पीना, ड्राइव करना, अपना काम करना, उसके लिए भी धीरे धीरे आपको नशे की ज़रूरत पड़ जाती है, जो बहुत ज़्यादा हद तक खतरनाक है। और नशा इस कदर हार्मफुल है आपके लिए, यह आपके शरीर पर, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर, इनफैक्ट कई सारी मानसिक बीमारियां तो नशे के कारण भी होती हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आप नशा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कभी नहीं करें, और यदि आप नशा कर रहे हैं तो आज से, अभी से उसको छोड़ने के उपाय करें, उस पर अपने डिपेंडेंसी को कम करने का उपाय करें, उसको धीरे धीरे कम करके छोड़ें। और यदि आपको छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने नज़दीक के किसी भी साइकेट्रिस्ट को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जरूर संपर्क करें। वो लोग आपका मोटिवेशन को बढ़ाएंगे, आपको नशा छोड़ने में मदद करेंगे। और कुछ टिप्स जो आपको मदद कर सकते हैं वो ये हैं कि आपकी जो संगत है जिसके साथ आप नशा करते हैं, आपका पीयर ग्रुप हो गया, या आपके वर्क कल्चर में जो लोग हैं, या आपके साथ जो लोग पढ़ते हैं, जो कलीग्स हैं जो नशा करते हैं, आप उनसे दूरी बनाएं। क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में, कितना भी मोटिवेशन आपका ज़्यादा होगा, उनके प्रेशर में आपका नशा करने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जब आप उनसे दूरी बना लेंगे तो कुछ हद तक आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अपने आप को हमेशा किसी काम में इंगेज रखें, चाहे म्यूज़िक सुनना हो गया, या किसी काम में हो गया, या टीवी देखना हो गया, या आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स अपना सकते हैं, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, या इंडोर गेम्स भी आप खेल सकते हैं, चेस वगैरह हो गया। तो इससे आपका ध्यान जो है नशा से हटेगा, स्पेशली उस वक्त जब आपको नशा की ज़रूरत महसूस होती है। आपका जो टाइमिंग होता है नशा करने का, जैसे अर्ली मॉर्निंग में आप नशा करते हो, या नाइट में करते हो, या इवनिंग में करते हो, तो इस वक्त आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखें, ऐसे लोगों से सराउंडिंग रखें, ऐसे लोगों की जो नशा नहीं करते हो, जो आपको मोटिवेट करें। और एक होता है इसमें पीयर ग्रुप होता है नशा छोड़ने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस, जैसे ये ग्रुप अल्कोहल के लिए है। जो लोग नशा छोड़ रहे हैं, या जो लोग नशा छोड़ने वाले हैं या छोड़ चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना, वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार, जब ये लोग छोड़ सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं छोड़ सकता, या मैं क्यों नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत सारी महिलाएं भी नशा करती हैं, स्मोकिंग हो गया, सिगरेट्स हो गया, और गांजा बहुत सारे लोग स्मैक के साथ मिला के पीते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं, आप इनसे जितना दूर रहें उतना अच्छा। और आप दूसरों को भी मोटिवेट करें नशा छोड़ने के लिए, खुद भी छोड़ें, अगर आपने छोड़ा है तो प्लीज़ दूसरों को मोटिवेट करें, यदि आपने नहीं छोड़ा है तो दूसरों से मोटिवेशन लेकर के छोड़ने का प्रयास करें। मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।